तो भाई आज की वीडियो में होगी डीयू वाली बातचीत, स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस वाली बातचीत। बातचीत करण ऋषभ तरुण ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट्स भाई डीयू की ये बातचीत है। बातचीत करण ऋषभ तरुण ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट्स। तो भाई ऑलमोस्ट 2 साल से मैं डी यू में हूँ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस विच आर माई फेवरेट हैंग आउट स्पॉट्स, क्योंकि यहीं पर आधा आधा दिन निकल जाता है। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ यू गाइज आज टू मेक अ वीडियो अबाउट एक्सप्लोरिंग नॉर्थ कैंपस। तो हमने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाल दिया था कि जो आप सबके नॉर्थ कैंपस के फेवरेट स्पॉट्स है वो सब बताओ, और जो हमारे हैं अब हमने इसका पूरा मिश्रण कर दिया है और इस वीडियो में सारे दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और आज क्या पता हमको डिस्कवर भी कर लें। हम फिलहाल है बोंटा पार्क, बोंटा पार्क में, ठीक है। और ये बोंटा पार्क की वाइब ऐसी है कि पूरा जंगल है। तुम नॉर्थ कैंपस जा रहे हो गए, एकदम से बीच में ये आएगा, ऐसा लगे जंगल का सेट आ गया बीच में, आउट ऑफ नो वेयर स्टार्ट हो जाते हैं। एज सो वील कंसिडर इट एज द फर्स्ट मेन स्पॉट ऑफ नॉर्थ कैंपस। तो यहाँ पे अगर आप सुबह सुबह आओगे ना, सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं और इतने मस्त मस्त कैरेक्टर्स अंकल दिखते हैं ना, ऐसे लाइफ की फिलोसफिया झाड़ रहे हैं, बहुत सारे बंदर दिखेंगे और तुम लोग बस सुबह सुबह आके अंकलों के पीछे बैठ सकते हो और तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा। आप बोंटा पार्क आते रहते हो रोज? हाँ बोंटा पार्क के अंदर सुबह आप आइए, आपको नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में कोई ना कोई ऐसा ना किसी का रिश्तेदारी कार्ड मिल जाएगा, दोपहर का लंच का नहीं तो डिनर तो पक्का है यही बिना कमाए। और यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है, तो जैसे अगर आप जैसे हम लोग जैसे शूट कर रहे हैं तो अभी हमें बहुत डर लग रहा है कोई बंदर कैमरा लेके भाग जाएगा, अभी सामने से देख रहे हैं मेरे को। यहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, गर्मी का कोई नहीं की जो ये साइड में जो बना ना ट्रैक, ये 75% छाया में पेड़ लगे है। 5 किलोमीटर करने के बाद भी यहाँ महसूस नहीं होगा क्योंकि आपने 5 किलोमीटर कर लिया। वैसे कैंपस की लाइफ ना मतलब मोस्टली पूरी रात की, अगर तुम रात के 2 बजे भी आ जाओ ना तो पटेल चश्मे अब भी जितना क्राउड है उससे डबल होगा। वहाँ पे एक साइड पूरी फोटोकॉपीज की शॉप्स है और इस साइड पूरा खाने का मैगी पॉइंट है। तो जो ये पूरी लाइन है ना, ये पटेल चश्मे की यहाँ पे ज़्यादातर मैगी वाले और खाने वाले की जगह है, तो शाम को सारे यहाँ पे ऐसे चौकी पे बैठ जाते हैं और ऐसे ग्रुप्स में मैगी खा रहे होते हैं। मैं नहीं खा रहा। मज़ा आ जाएगा कसम से, हमारी दुकान पे एक बार खाओगे आप, बहुत मज़ा आएगा। आपका नाम? संजू। संजू ओके। तो पटेल चश्मे की एक साइड तो हो गया अपना मैगी वाला सारा, और इस लेन पे सारे फोटो स्टेट्स वाले हैं, और सेमेस्टर के एंड में हमारा एक ही बंदा साथ देता है वो टेन ईयर शिवदास जी, आई लव यू। जिसको नहीं पता टेन ईयर क्या होता है, उसमें लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और उसके आंसर्स होते हैं, और हम जैसे बच्चे जो पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते एंड में पढ़ना पड़ता है, तो टेन ईयर सबसे ज्यादा साथ देती है। तो एंड में यहाँ इतने चक्कर लगते हैं, अभी मेरे आने वाले दिनों में इतने चक्कर लगने वाले हैं यहाँ पे। ये सारी फोटो कॉपी लाइन में मेरे फेवरेट है आदिल भैया, पटेल चश्मे की स्टार्ट होती है लेफ्ट में मिलेंगे। आदिल भैया सबसे बढ़िया फोटोकॉपी करते हैं। फोटोकॉपी सबसे बढ़िया क्या होती है? वो मशीन होती है, उसमें आर्ट थोड़ी चाहिए कोई। बंदे पे विश्वास होता है ना एक, कि अगले क्वेश्चन के बाद इसका सही आंसर होना चाहिए ये विश्वास। तो कैंपस में एक तो चाय वाले स्पॉट्स बहुत फेमस है, जिसमें पहला आता है सुदामा, एक DSC कॉलेज में JP स्टॉल है वो भी बहुत सही है, और भी बहुत सारे हैं चाय पॉइंट्स अंधे हैं पटेल चश्मे भरे हुए, और हर जगह की मेरे को बढ़िया लगती है, मट्टी के साथ बैठ के चाय पियो मस्त। व्हाई डू लाइक DSC ki canteen and tea stall? So my 3 years in being a student of Ramjas and simultaneously also being a student of DSC has been just the iced tea, the famous iced tea of JP tea stall. Okay. And to that I'm extremely thankful. Thankful? Yeah. This is a graduation speech lag rahi hai. For anyone coming to North Campus, you should definitely try the iced tea at JP's. What about the canteen? The canteen is also pretty fantastic if you want to eat on a budget, especially the egg rice and some of the other items, the mutton dosa as well, right? Mutton dosa, they have amazing mutton cutlets as well in case somebody wants to try. Usual things like normal dosa is very in budget, fantastic tasting. There is idli sambar, some of the old classics. There's mutton dosa maine pehli baar suna hai. Haan, mutton dosa is like a something that's, you know, sort of special. Endemic to this place itself, yeah, and it sells a lot. And then the great egg curry rice, you know, rajma chawal, they have brilliant thalis for, you know, just the students who stay a lot of time here. They feel that it's like a budget meal, they can come here, have this. Okay, okay. Thank you. Yes, yes, all of us. Mera 3 iced tea. अभी जिस लेन में हम चल रहे हैं ना, उधर काफी सारी happening जगह है, जो सुबह हम बोंटा गए थे सबसे पहले वो आता है, उसके बाद हिंदू आता है,
फिर डीएससी आता है जिसके अभी हम कैंटीन गए थे, और उसके बाद सामने क्या आता है, रामजस कॉलेज आता है जिसके बाहर है सुदामा चाय वाला, जो कि सबसे ज्यादा फेमस चाय वाला है पूरे कैंपस में, विच इज वेरी डिबेटेबल. कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है. गॉड नोस. दूसरी क्या फेमस है? मैगी पॉइंट्स. तो मैगी के भी इसी एक शीला आंटी की मैगी फेमस है, एक टॉम अंकल की है जो कि मेरे को बहुत ओवररेटेड लगती है. बताइए टॉम अंकल, टॉम अंकल है ओवररेटेड, मैगी चीज ही ओवररेटेड है. मैगी क्यों मतलब? पर पता है मैगी कैंपस में क्यों चलती है? क्योंकि कैंपस में क्विक रहना होता है. अब जैसे 15 मिनट की ब्रेक मिली, जल्दी से खा के आना है तो मैगी लाएंगे तुम, और फटाफट बन जाएगी ना. तो भाई अब हम आ गए हैं हडसन लेन. हडसन में बहुत सारे कैफेज हैं. तुम ऐसे आंख बंद करके दो कदम चल लो, एक कैफे आ जाएगा. मतलब जरूरी नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में है तो बस डीयू के बच्चे जाते हैं. मैंने जब हम स्कूल में भी थे तो हडसन ही आते थे. तब के टाइम पे बातचीत भी ऐसे होती थी कि इतने पैसे उठा रहा है, इतने पैसे उठा रहा है, कितने पैसे उठाऊं. मम्मा यार 700 रुपए दे दो, तरुण इतने ला रहा है. ये वाला सीन होता था. तो जो जो कैफे सबसे फेमस है, रिकोस कैफेटेरिया और कैंटीनो, वो सब एक ही बंदे के हैं. बाकी और भी बहुत सारे हैं, बोंगचीज है, बहुत सारे हैं, भर भर के जगह है यहाँ पे. हमारा सबसे जो फेवरेट कैफे है वो है कैफेटेरिया. एंड लोग जनरली यहाँ पे सुबह आते नहीं है, सारे शाम को ही आते हैं, पर हमें बड़ी तलब हो रही थी यहाँ पे खाने की, इसलिए हम सुबह आए हैं. पर अगर आप शाम को यहाँ पे आओ, सारे कैंपस के बच्चे भरे होंगे, भरे पड़े होंगे, मतलब वेटिंग में आएगा और तुम्हें रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा. पर अभी हमें नहीं रुकना पड़ेगा, चलो चले कैफेटेरिया. देखो कैफेटेरिया इतना पसंद है कि जब वेटर भैया आते हैं कि ये लो सर मेन्यू आपका, मैं कहता हूं नीड ही नहीं है, मैं बताता हूं आपको क्या लाना है. अभी बताता हूं आप लोग क्या बनाते हो और कैसे बनाओ. क्या डालना है वो मैं बताऊंगा. देखो फेवरेट जलेबी चीज बॉल्स तो पक्के के पक्के हैं. बर्गर मेरे को माइकल जैक्सन बर्गर बहुत पसंद है. मेरे को लेब्रॉन जेम्स पसंद है. इसको पनीर वाला, पनीर वाला, बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें और पीने में तिरामिसू शेक, और एंड में डेथ बाय चॉकलेट भी ले सकते हो. फ्राइज पसंद है तो फ्राइज फ्राइज भी ले सकते हो, या तो अल्टीमेट चिकन पिज्जा भी ले सकते हो, या तो थ्री वे चिकन फ्राइज भी ले सकते हो, या तो बहुत चीज पानी भी ले सकते हो, पानी भी ले सकते हो. यहाँ पे म्यूजिक भी अच्छा होता है. यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लोग ऐसे टंगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे लटके रहते हैं. बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ इनको, यही बैठे बैठे वॉचिंग. हम खाते हैं और वैसे देखते रहते हैं. क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मुझे भी दो. चलो बट बात है, जब भी मेरा चीट डे होता है मैं हडसन ही जाता हूँ. वो मेरा है मतलब हफ्ते में, जो कि मेरा रोज होता है. हम रोज हमारा रोज चीट डे है. तो भाई अभी हम आ गए पंडित जी की कैंटीन में. और अगर नॉर्थ कैंपस में किसी पूछोगे ना कैंटीन के बारे में, तो सबसे पहला नाम लोग पंडित जी की कैंटीन बोलते हैं. और मैं कैंपस को खुद होकर ज्यादा बार यहाँ पे आया नहीं, आज पहली बार आके प्रॉपरली बैठ के यहाँ का खाना ट्राई करेंगे. और यहाँ की सबसे फेमस है मीठा समोसा. मीठा समोसा तो मैंने सुना भी नहीं कभी, तो आज ट्राई. मीठा समोसा सही में सुनने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बट बहुत लोग बोल रहे हैं इसके बारे में. तो सब कुछ है, पराठे हैं, राइस है, चाउमीन है, पास्ता है, मैगी है, मीठा समोसा फेमस है, मीठा टोस्ट फेमस है, बाकी लस्सी कोल्ड कॉफी शेक है. कितने साल पुरानी होगी ये हमारी? हो गई लगा लो 1954 से. 1954 से है, वाह. 1954. आप कब से काम कर रहे हो? तीन चार साल हो गए. मस्त लग रहे हो, मजे में, वहाँ बड़े खुश लग रहे हो, मजा आ रहा है आपको देख के. तरुण बता फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस मीठा समोसा. मुझे लग रहा है नहीं खा पाऊंगा भाई, क्योंकि बहुत मीठा लग रहा है. इसके ऊपर से ऐसे चाशनी ना चमक रही है. ठीक है मैं खा के दिखाऊं. कैसा है? पता है क्या लग रहा है सही में? वो थे ना नमक पारे, नमक पारे पे पूरी चाशनी भर के खा रहे हो. एग्जैक्ट इसे इतना खाया है. ऊपर का पोर्शन ऐसा ही है. अंदर तक का बता दिए, बना किस चीज़ से? ऐसे खा रहे हैं भाई, ऐसे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे और हमारे पास हैंकी नहीं है. ऐसा लग रहा है दो मिठाइयाँ मिक्स हो के मीठा समोसा. और आपको घर के लिए कुछ इनोवेटिव मिठाई चाहिए हो, क्योंकि मैंने सुनी नहीं थी कभी है. तो किसी को शादी पे देनी हो तो अभी ये देना. मीठा समोसा ओनली फॉर मम्मी जी. तुमने कहा जो बोलो बेटा इंग्लिश में से हेलो. अब मैं फंसी हूँ एक तमिल तमाशा, ना ये ना वो ये जाने क्या हुआ. और नॉर्थ कैंपस में क्या आता है? कमला नगर. कमला नगर पे तो कसम से एक अलग सी वीडियो बन सकती है. बट अगर मेन मेन बात करें
मतलब हमें तो इतना नहीं जाता उधर क्योंकि वो फिर कैंपस नहीं लगता, वो मतलब पूरी दिल्ली की जगह है, वो लगता है कोई मार्केट आ गया, वो मतलब कमर्शियलाइज्ड है काफी, अंडरग्राउंड नहीं है वो। मैंने वहां पर सभी आंटियों को जाते हुए देखा है। कहां आंटियों का रखा? हां तो शॉपिंग के लिए फेमस है और बाकी खाने का बिस्तरों अच्छा है उधर, और काके दी हट्टी के लोगों को छोले भटूरे वहां बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम रोहिणी वालों को इतने बेटर हमारे पास ऑप्शन है छोले भटूरे के, रोहिणी और पीतम्बरा में, तो मेरे को तो वहां के छोले भटूरे खास नहीं लगते। अरे लड़के मेरे कॉलेज के दोस्त आगे इधर आइयो, बैठो बैठो सर आराम से बैठो। ये लड़का कैंपस असली कैंपस लाइफ यही जी रहा है, हम तो रोहिणी से आते हैं, हम तुमसे सवाल करेंगे कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैंपस लाइफ। बेसिकली कैंपस लाइफ का ये बेस्ट है कि कैंपस लाइफ कभी बंद नहीं होती, तुम रात को घर जाते हो 9, 9:30, 10, 12, तुम लोग 1-2 बजे सो जाते हो, सो जाते हैं या घर पे रहते हो। कैंपस लाइफ में ये यार कि तेरे जितने 10, 15, 20, 30 जितने दोस्त है ना वो सब तेरे को दिखते रहते हैं, कभी चाय वाले पे दिख गए, कभी जूस वाले पे मिल गए तो ये सीन होता है यार। तो वही है बेसिकली कैंपस लाइफ कभी डेड नहीं होती है। सही सही सही। ये है पटेल चेस्ट का टी स्टॉल, मतलब रात के 4 बजे भी आओगे ना ऐसे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन वाली भीड़ मिलेगी, अभी खाली है लिटरली, तो मतलब रात रात के 3-3, 4-4 बजे यहाँ पे बंदे जाम कर रहे होते हैं रैंडमली, लोग कोई गिटार लेके आए हुए हैं, गाने गा रहे हैं, और बहुत सही सीन होता है। योर टॉप 3 प्लेसेस इन कैंपस? टॉप 3 ब्रो, रिज, रिज बोंटा, बोंटा ओके, और यार उसकी वाइब ही अलग है, एकदम तुम्हें कह सकते हैं कॉर्बेट आ गए, कॉर्बेट हाँ, अरे हाँ, और ना कॉर्बेट में टाइगर दिखता है ना रिज में दिखता है, तो सही बात है, नाम नाम का टाइगर है, सेम लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सेम लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। फिर बाकी पंडित जी की कैंटीन हो गई, पंडित जी की कैंटीन, और लिटिल हट, लिटिल हट, लिटिल हट वाले भैया की वजह से। तो ये लिटिल हट वाले भैया, कोई भी आए लिटिल हट तो मेरे नाम का डिस्काउंट दे दोगे? झूठ बोल रहे हो? नहीं दे देंगे। कितना परसेंट? 10% 10% मिल जाएगा, बोल देना 3 रोल्स वाले आए थे, हैं ठीक है, डन सीन। कमेंट करना जो जो अगर नहीं दिया भैया ने डिस्काउंट, पक्का ना? शर्त है। चलो बोलो, मेरी दुकान पे आओ सारे मजा आ जाएगा, मेरे दुकान पे आओ सारे मजा आ जाएगा। वैसे छोटे छोटे अड्डे हैं जो मतलब पूरे कैंपस में तो बहुत फेमस नहीं है, बट अपने हमने बनाए हुए हैं पास क्योंकि कन्वीनियंट रहता है। कैंपस में जब सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं ना और मन करता है आराम से वॉक करो एक लंबी, कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हुए, तो सारे आर्ट्स पैक आते हैं और ना इधर की वाइब बहुत सही होती है, और यहाँ पे शाम को तो और फील आती है, लैंप से होते हैं वो जल जाते हैं खाली, तो बड़ा ना येलो, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कैसा दिखेगा ये, बहुत प्यारा दिखता है। तो भाई ये थे नॉर्थ कैंपस के कुछ नज़ारे और डीयू वाली बातचीत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर और कुछ नए नज़ारे लेकर। यहाँ पे अभी हम एक टी स्टॉल कवर कर रहे थे, और आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक का वीडियो देखते हो? हाँ दे, बिल्कुल देखते हैं अभी आपकी वीडियो। तो भैया क्यों बोल रहे हो, कितने साल के? मैं 70। तुम 2-3 साल ही बड़े हैं। नहीं नहीं भैया मत बोलो यार, ऐसे इतनी रिस्पेक्ट की आदत नहीं है। आपको कुछ नहीं पता ना हमको? मेरे को पता था, मेरे को पता था। अच्छा कार्तिक भाई आ जाए फ्रेम में, और क्या कहना चाहेगा जनता को? बस यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई को, बहुत बढ़िया वीडियो है। रात में इसने दिल की बात बोल दी। एक फोटो जरूर लेंगे भैया के साथ। अरे भाई पहले भैया मत बोल, तभी लेंगे। अच्छा करण करण भाई के साथ फोटो लेंगे। ये बात 1, 2, 3 सही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।